नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने YouTube थंबनेल की इमेज या फिर दोस्तों किसी भी इमेज पे व्हाइट आउटलाइन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए काफी सिंपल स्टेप्स है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाइट आउटलाइनिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो एप्लीकेशन होना चाहिए उसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो को भी। तो दोस्तों हम सिंपल से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊपर आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके सिंपली से दोस्तों आपको डिलीट कर देना है न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको साइज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आप यूट्यूब थंबनेल साइज चूज कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे ऊपर दोस्तों आपको कॉर्नर पे दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको नीचे ही फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई बैकग्राउंड है आपके पास तो आप अपने फाइल में जाके आप उसे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड पहले ऐप में देखने को मिल जाते हैं, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड हो चुका है सेलेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। उसके बाद दोस्तों हमें दोबारा प्लस वाले आइकन के पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने इमेज की लेनी है, जो कि दोस्तों जिसकी आपने स्टिकर बनाया। अगर आपको स्टिकर बनाना नहीं आता तो गाइज मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो बना दी, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप पहले जाके वो देखें कि आप इमेज की स्टिकर कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हमने जो स्टिकर बनाई है उसको जल्दी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज हमने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया जिसकी हमने स्टिकर बनाई है। उसके बाद दोस्तों आपको राइट टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने स्टिकर को एडजस्ट कर लेना है, जिस साइज पे दोस्तों आपको रखना है उसमें आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको थर्ड ऑप्शन पे आ जाना है सबसे नीचे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रोक का। दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल से आपको दोस्तों उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इनेबल का ऑप्शन होगा, आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके स्टिकर के साइड में आउटलाइनिंग आ चुकी है। अब गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो भी कलर में आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से वाइट अगर करना है तो सिंपली से आप वाइट पे क्लिक कर देंगे। और वाइट के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे साइज का ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने आउटलाइन की साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आउटलाइन की साइज हल्की सी बढ़ा लेंगे, जिससे दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस कुछ सिंपल से स्टेप्स है जिनकी मदद से आप किसी भी इमेज पर आउटलाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट पे ग्लो लाना चाहते हैं किसी भी इमेज के ऑब्जेक्ट पे, तो गाइस उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आपको यहाँ पे आई बटन में उसकी लिंक देखने को मिल जाए।